एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और ये 36 से डिवाइड देंगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस फोर वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू वन होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 से 36 कटेगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये जो लाइन है इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा, वाई इधर जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 4। देखो अगर कोई लाइन किसी हाइपरबोला पर टेंजेंट होता है तो उस टेंजेंट का इक्वेशन होता है, टेंजेंट का इक्वेशन होता है स्लोप फॉर्म में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, तो इस लाइन से स्लोप निकालेंगे, स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, माइनस 1, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, जो टेंजेंट है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप यहाँ जो एम का वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस 1, इसमें रख देंगे। और ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो इक्वेशन आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36, एम स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 9, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस रूट अंडर 27। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3√3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 3√3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ओके okay?